तो हो गया, ये कवर निकला है ले जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक एरिया से मजे में होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपको पसीना वगैरह देख के लग तो रहा ही होगा कि गर्मी की वजह से है, एक मिनट जी। लेकिन नहीं जी, ये गर्मी की वजह से नहीं है, ये गर्मी की वजह से ही है, लेकिन ये मेहनत का पसीना है, मेहनत का। आपका भाई अभी काम करता है। अच्छा जी, ये पीछे हमारे पास एसी पड़ा है, डिग्गी के अंदर भी सामान पड़ा काफ़ी सारा, और ना हमारे पास फोक जो थे ना हमने मंगवाए थे वो भी पड़े हैं। तो अब हमने करना क्या है, पहले हमने ये मदीना रन चौचराशी की तरफ देना है, और ना और फोक लैम्प्स जो है ना वो हमने इंशाल्लाह लगवाने हैं। आज कोशिश करने हैं, देखिए 6:50 हो गए हैं। मेरा आज प्लान तो यही था कि मैं ना अंदर ने सुना गाड़ी, मेरा प्लान यही था कि मैं ना एक तो ये जो है ना पर्दा फंस जाता है कि मैं आज फोग लैंप्स लाजमी लगवाऊंगा, लेकिन लगवा नहीं सका क्योंकि अब जाके पता करते हैं। वैसे जी एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा फौरन शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी में तो ऐसे ही चल रहा है। आपको सरप्राइज देता हूँ, ये देखें बिल्कुल। एक तो मुझे ये वाले टायर ने बहुत तंग किया हुआ है, दो दफ़ा उसने काम ख़राब किया, एक दफ़ा इसने, बिल्कुल फ्लैट है। अब इसको इधर ही छोड़ के जाके बंदा लेके आते हैं, वो जैक लगाएगा, टायर उठाएगा, और ना इसको पेंचर लगवाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनती है। ले जी फाइनली ये वाला जो ड्राइविंग साइड वाला टायर था ये तो हो गया है। तो अब जो है ना एक ये बैक साइड वाला जो है ना पैसेंजर साइड के बैक वाला टायर है, ये भी पंचर है, इसका भी पंचर लगवाते हैं। और ना दूसरा हमने एक और काम करना है, आज मैंने कहा मेरा वो काम तो हुआ नहीं है, चलो मैं यही वाला काम कर लूँ। और एक और काम जो है हमने ना इसके ये वाला टायर इसके पीछे और ये वाला टायर इसके पीछे। हाँ जी, मसले पे मसला, ये पहले ये वाला टायर आगे वाला इसको छोड़ के उधर के दोनों और इधर का पीछे वाला, मतलब समझे ये वाला टायर छोड़ के बाकी तीनों, वो वाला जो जिसने मसला किया था हमें, और इस वाले बैक वाले के अंदर दो पंचर थे, वो दो लग रहे हैं, दो कील लगे थे। और जो इस साइड का बैक वाला भी वो खोल के मैंने उसको कहा कि शिफ्ट का शफल कर देना इसका, जब उसने खोला तो इसके अंदर जी इसके अंदर भी एक कील लगा हुआ है। चलें एक दफ़ा आज फ्रेंचों भी इतने पैसे मांगे हैं, देखें अब क्या बनता है। आप बस दुआ करें इंशाल्लाह अगले महीने ना आपके भाई जी नेक्स्ट मंथ में ना अगर सैलरी आएगी ना तो इंशाल्लाह ये वाला काम हम करेंगे कि इसके कोशिश करके ना इसके टायर एक दफ़ा चारों बदल देंगे, क्योंकि तीन और एक है, तीन एक है और एक अकेला ये वाला जो आगे लगा था ये तब चेंज करवाया था तो ये मज़ा नहीं करा रहा, तो इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी बॉयज, हमने टायरों के ऊपर खपने खपाने के बाद
अब हम 8:30 बजे फ्री हुए हैं। हम जब आए थे तो मगरिब होने लगी थी, और अब बस चलते हैं। ये एसी डिलीवर करना है चाचू की शॉप पे, उसके बाद फिर हम फ्री हैं। बस आज बहुत थक गए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल को या परसों को जब मर्जी टाइम निकाल के ना बाकी काम कर लेंगे। आज अगर वैसे तो हाथों वगैरह के पेपर खत्म हुए, अगर कोई सीन किया भी उन्होंने 9 बजे ने मुझे घर आते आते सीन किया कोई तो वो आपको दिखाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। सर गोदा रोड पे ले जी बॉयज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। उसी व्लॉग में दोबारा खुशामदीद आपको, बहुत सारे दिनों के बाद कहते हैं। तो अभी आज आपके भाई ने टाइम निकाला है, पहले मैं थोड़ी देर पहले अभी वापस आया हूँ, मैंने फैमिली को उतारा है, उनके साथ मैं इब्राहिम लोगों के साथ सरगोदा रोड पे गया था। वहाँ पे बाईपास जो पुरानी मोटरवे थी वहाँ पे काम था, अब वहाँ से वापस आया हूँ। और ना अब अब्दुल्लापुर जाना है, छोटू के पास जाना है, उससे काम करवाने हैं कुछ, तो बस बिना टाइम जाए कि उधर चलते हैं। एक दफ़ा पहले भी हमने सोचा था लेकिन वो देखें ये 6:30 हो गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं और ये काम करवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मीट काम स्टार्ट हो गया है, ये कवर निकला है फोग लैंप्स वाले, और इंशाल्लाह बस उसके बाद अच्छा भाई ये मार दे। देखिए कौन हमें ज्वाइन किया है, ताल से मिलने आया स्पेशल। रेड सही नहीं लग रही, रेड और ही जाना है कलर, वाइट लगाना भाई, जगह वाइट लगा दे। नहीं वो दूजी नहीं, वाइट फेस ही लग रही भाई, रहने दे ब्लू ही ज्यादा अच्छी लग। हमारी कोशिश तो ये थी कि इनमें से कोई अब एक कलर लगा लेते हैं, वैसे तो हमने ब्लू ब्लू थीम दिया हुआ है हर जगह तो, लेकिन रेड की लाइट कम है क्योंकि वो ऑरेंज के साथ मैच कर रहा है, और वाइट फिर सही लग रहा था लेकिन ब्लू की तरह लाइट ज्यादा ब्राइट है, तो इस वजह से बाकी स्विच स्विच हो गए हैं इधर। ये एक है उसका फ्लैशर्स का, ये जो अब हमने फोग लैंप्स लगवाए हैं, और ये उनका जो अब हम वो आगे स्कल लगा हुआ है ना ये उसका, और बाकी एक की फिटिंग बन गई, एक ही बना रहे हैं भाई। ले नहीं चल पड़े दूसरे पॉइंट ले, एक दफा बंद करके दोबारा ये वाली, इसमें कलर ही एक है, एक ही कलर है। अच्छा लग रहा है, और ये भी, और अपना बस चलते हैं, और इसकी एक दफा ना बैलेंसिंग दिखानी है बस, उसके बाद फ्री हैं। अलाइनमेंट वाला काम करवा के, बैलेंसिंग ने अलाइनमेंट वाला काम करवा के, तो अब हम ना जाते हैं इसका एक, उन्होंने एक और मसला बताया, हमने कहा ये आपकी गाड़ी के अंदर मसला था, वो पता करते हैं किसी से।
लें जी बॉयज, हमने शाहिद भाई को दिखा लिया, बस दिखाना ही मेन मकसद था। उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, आप जाएं सली से। मैंने कहा लें जी, बस जी इसी नोट पर आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ